नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हां, 14 जून 2020 ये वो दिन है जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जी हां, उनके कुक ने और उनके हाउस हेल्पर ने कई सारे खुलासे किए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि आखिर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने कैसे जूस मांगा। उनका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था और वो अपने रूम में चले गए और रूम को उन्होंने लॉक कर लिया। जी हाँ, रूम लॉक करना बहुत बड़ी बात होती है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, क्योंकि सुशांत के जो पहले असिस्टेंट रहे थे अंकित आचार्य, और सुशांत का परिवार पहले भी ये बड़ा दावा कर चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी अपना रूम लॉक करके नहीं सोते थे। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपना कमरा लॉक कर लिया, और अगर सुशांत ने वो कमरा लॉक किया तो वो चाबी कहाँ गई। जी हाँ, वो चाबी उनके घर के अंदर क्यों नहीं थी, वो रूम के अंदर क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर सुशांत उस कमरे को लॉक करेंगे तो उस चाबी को भी सुशांत के कमरे के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन इस पूरी छानबीन में सुशांत के कमरे की वो चाबी सामने ही नहीं आई, जिसके बाद परिवार चिंता जाहिर कर रहा था कि आखिर सुशांत के कमरे की वो चाबी आखिर गई कहाँ। जी हाँ, हम काफी कुछ बताने वाले हैं उस चाबी के बारे में, क्यों उस कमरे की चाबी ऐसे गुम हो गई या गुम की गई, इन सब चीजों का खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आगे इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के साथ कई राज जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इस दिन इस केस में कोई ना कोई ऐसा खुलासा होता है जो मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। जी हाँ, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। उस दिन उन्होंने अपना कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी ने एक चाबी वाले को भी बुलाया था और फिर उसने आकर कमरे का लॉक तोड़ा था। सुशांत के निधन को अब तक 9 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनके कमरे की चाबी मिली नहीं है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत की बहनों ने कमरे की चाबी गुम होने पर भी चिंता जताई थी। जब सुशांत के परिवार को फ्लैट का सामान सौंपा गया तो उसमें चाबी नहीं थी। अब सुशांत के परिवार ने दावा ये किया कि उन्हें अभी तक कमरे की चाबी नहीं मिली और ना ही ये मकान मालिक को सौंपी गई है। जी हां, इस बात को लेकर सुशांत की बहनों ने भी सीबीआई को पत्र लिखा था। वहीं इस मामले पर सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का भी बयान आया था। जी हां, उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीर बताया था। विकास सिंह ने कहा था कि अगर सुशांत के कमरे की चाबी खो गई है और ऐसी कोई बात सामने आई है तो ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जिस कमरे में सुशांत का निधन हुआ उसमें पता नहीं पीछे से कितने लोग गए होंगे। उन्होंने सबूत मिटाने की शायद कोशिश भी की होगी, बाद में कमरे को दोबारा लॉक कर दिया गया होगा। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी नहीं मिलने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। अगर सुशांत ने रूम अंदर से लॉक किया था तो उसकी चाबी कमरे के अंदर ही होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर वो नहीं मिली। चाबी के बारे में ना ही सिद्धार्थ पिठानी को कोई जानकारी थी और ना ही सुशांत के यहाँ काम करने वाले किसी दूसरे इंसान को। तो सवाल ये है कि चाबी आखिर गई कहाँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई अब सुशांत के कमरे की चाबी की पड़ताल कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीबीआई सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ने वाले शख्स से भी पूछताछ कर चुका है। चाबी वाले ने बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी ने फोन करके उन्हें बुलाया था। वो नहीं जानता था कि जिस कमरे का लॉक वो तोड़ रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत का कमरा है। लॉक तोड़ने के लिए उसे 2000 रुपए भी दिए गए थे। चाबी वाले के मुताबिक उसे कमरे के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। इसके अलावा वहां मौजूद सिद्धार्थ पिठानी और उसके स्टाफ के चेहरे पर किसी तरह की भी घबराहट नहीं दिखाई दी थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कहा गया कि सुशांत लंबे समय से फिल्म जगत के रवैये को लेकर डिप्रेशन में थे। फैंस और परिवार ने इस घटना के पीछे साजिश की बात उठाई तो मुंबई पुलिस ने जांच की और 2 महीने तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाद में फैंस और परिवार की मांग पर यह केस सीबीआई को दे दिया गया। आपको बता दें कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया और पूछताछ उनसे भी शुरू की। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो असिस्टेंट रहे थे अंकित आचार्य, उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी अपना रूम लॉक करके नहीं सोते थे। जी हां, सुशांत के परिवार का भी ये दावा था कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी अपने रूम को लॉक नहीं करते थे। तो फिर आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जो सुशांत का कमरा लॉक हो गया। जी हाँ, जब सारी चीजें सुशांत के कमरे से मिल गई तो आखिर सुशांत के कमरे की वो चाबी कहाँ गई। जी हाँ, वो चाबी इस केस को और ज्यादा
पेचीदा बनाती है क्योंकि वो चाबी सबसे ज्यादा अहम हिस्सा रही है। अगर शशांक ने ही उस कमरे को लॉक किया था तो वो चाबी शशांक के कमरे के अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन जब सब कुछ मिल गया तो शशांक के रूम की चाबी आखिर क्यों नहीं मिली, आखिर वो चाबी कहाँ गई? और अगर इस कमरे को बाहर से लॉक किया गया था, इसका मतलब है कि इस कमरे की चाबी किसी और के पास है। जी हाँ, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, लेकिन अब तक इस साजिश का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि शशांक सिंह राजपूत अपने रूम को लॉक करके कभी भी नहीं सोते थे। जी हाँ, जब परिवार ये कह रहा है कि उनका बेटा अपने कमरे को लॉक करके नहीं सोता था, जी हाँ, जब शशांक के पहले असिस्टेंट यानी कि अंकित आचार्य इस बात का दावा कर चुके हैं कि शशांक सिंह राजपूत ने जब भी वो सोने गए हैं 3 साल तक, जब भी वो अंकित आचार्य के साथ थे तब तक वो अपना रूम लॉक करके नहीं सोते थे, तो आखिर एक दिन ऐसा क्या हो गया जो शशांक सिंह राजपूत ने अपने रूम का गेट लॉक कर दिया और अचानक से अब चाबी किसी के भी हाथ नहीं लगी। लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक किसी के भी पास नहीं है। आपको बता दें कि शशांक सिंह राजपूत के कमरे में उस दिन क्या हुआ। जी हाँ, शशांक सिंह राजपूत के निधन के दिन जिस चाबी वाले को बुलाया गया था, उस चाबी वाले ने भी इस बात का खुलासा किया कि उन्हें जब बुलाया गया तो उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं रही थी कि वो शशांक सिंह राजपूत का कमरा है। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें कहा गया कि जल्दी से लॉक तोड़ो, और जब उन्होंने लॉक तोड़ दिया तो उन्हें अंदर कुछ भी देखने को नहीं दिया गया। उन्हें नीचे ले जाया गया और उन्हें 2000 रुपए दे के उन्हें भेज दिया गया। जी हाँ, ये बात खुद शशांक सिंह राजपूत के जो चाबी वाले आए थे उस चाबी को तोड़ने के लिए, उनका ये बयान है। उन्होंने ही ये बयान दिया था कि उन्हें कुछ भी देखने नहीं दिया गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों उस कमरे के अंदर चाबी वाले को देखने नहीं दिया गया? जी हाँ, आपको बता दें कि जब शशांक ने अंदर से कमरा लॉक कर दिया था तो आखिर वो चाबी अंदर क्यों नहीं थी? जी हाँ, अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर शशांक ने उस कमरे को अंदर से लॉक किया था तो उस चाबी को भी उसी कमरे के अंदर होना चाहिए था। अगर वो चाबी उस कमरे के अंदर नहीं थी तो इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, आखिर वो चाबी किसने गायब कर दी? जी हाँ, ये सारे दावे शशांक सिंह राजपूत का परिवार कर रहा है। परिवार अब भी चाहता है कि शशांक सिंह राजपूत को जल्द न्याय मिले, क्योंकि शशांक सिंह राजपूत को गुजरे हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना कि शशांक के कमरे की चाबी आखिर कैसे गुम हो गई। अब परिवार ये दावा कर रहा है कि आखिर शशांक के कमरे की चाबी गई कहाँ। जी हाँ, शशांक का परिवार पहले भी ये बता चुका है कि शशांक कभी भी अपना कमरा लॉक करके नहीं सोते थे, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ जो शशांक सिंह राजपूत को अपना कमरा लॉक करना पड़ा, और अगर उन्होंने लॉक भी किया तो वो चाबी आखिर गई कहाँ। जी हाँ, ये सवाल तो सवाल ही बना रह गया है, क्योंकि इसका जवाब अब तक किसी के सामने नहीं आ पाया है। क्या कहना है आपको, उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।